देखिए, हम मैं बहुत टाइम से ये बोल रही थी कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की आवश्यकता है। आपने सीनियर लोग उसमें अपने व्यूज़ देंगे, उन व्यूज़ को बड़ा ध्यानपूर्वक हमको सुनना है और इलेक्शन को देखते हुए उनकी क्या मानना है उन लोगों का और वो क्या कह रहे हैं उसको सुनने के लिए हमारे प्रभारी शुक्ला जी भी आए थे, उसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और ठाकुर रामलाल जी, ठाकुर कौल सिंह जी और धनीराम शांडिल जी भी उपस्थित थे। उसमें यही चर्चा हुई कि 24 का चुनाव अब आ चुका है, उसकी हमें किस तरीके से तैयारी करनी है और किस तरीके से ये बाई इलेक्शन भी फेस करना है, उस पर विस्तृत चर्चा हुई, सभी के सुझाव सुने गए और शुक्ला जी को उन्होंने जो जो परिस्थिति है उससे अवगत करवाया। यही विषय था कल चर्चा का। और जहाँ तक ये इलेक्शन की बात है, मुझे लगता है कि अब एक चुनौती हमारे सामने खड़ी हुई है, उपचुनाव भी है, उसमें हमें किन किन को उतारना है मैदान में, इस पर भी चर्चा की गई और उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा कि हमको थोड़ा फीडबैक लेने दो कि लोग क्या मान रहे हैं, क्या हम किस व्यक्ति को मैदान में उतारेंगे और कौन सशक्त है और कौन ये आने वाले चुनाव का सामना कर सकता है। तो उसमें सबके सुझाव सुने गए और मेरे को लगता है कि क्योंकि अब लास्ट चरण में हमारा इलेक्शन है तो इसलिए थोड़ा टाइम हमारे को मिल गया। हम इस पर सोच विचार कर रहे थे और सभी के सुझाव प्रभारी ने सुने और वो अब इस विषय को हाईकमांड के सामने रखेंगे। हाईकमांड अब जो हमारे कैंडिडेट्स तय होंगे उस पर क्या उनका निर्देश होता है उसके मुताबिक ही चलेंगे। देखिए, मेरे सामने कुछ डिफ़िकल्टीज थी, मैंने बार बार ये प्रेस के सामने भी कहा है कि जब मैं चुनाव के दौरान पहले भी 1-1.5 साल से हर क्षेत्र का दौरा कर रही थी तो कुछ बातें वर्कर्स ने भी कही, कुछ लोगों ने भी कही, तो इसलिए मैं ये सोच ही रही थी कि इस परिस्थिति में मैं चुनाव में उतरूं कि नहीं, इस बात का बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने खड़ा था। मैंने वो सारी स्थिति कल हमारे प्रभारी के सामने रखी, मुख्यमंत्री के सामने रखी और मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि हम मिलकर दौरा करेंगे, लोगों की जो समस्याएं होगी काफ़ी हद तक उनका मानना था कि सरकार ने सॉल्व कर दिए, जैसे डिज़ास्टर आया तब लोगों के बीच गए, जो जो संभव हो सका वो उनकी उन्होंने मदद की है, उसी तरह से चाहे OPS की बात है, चाहे महिलाओं को पैसे देने की बात है, चाहे दूध के दाम बढ़ाने की बात है, ये सब काम सरकार ने किए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में हम इन चीज़ों को लेकर मैदान में जाएंगे और लोगों को संतुष्ट करेंगे कि ये कारण थे जिसकी वजह से लोगों में थोड़ी नाराज़गी थी। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये प्रॉमिस किया है कि हम लोग मिलजुल कर मीटिंग्स भी करेंगे, लोगों की ग्रीवेंसेस भी सुनेंगे और जो डिफ़िकल्टीज़ हमारे सामने आई है उसका भी निवारण करेंगे।